हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आज हम मटर की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देरी ना करते हुए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हरा मटर यहाँ पे हम 1 कप छील के साफ करके लिए हैं। ये 1 कप हरा मटर है। अब इसके हम तड़का के लिए कुछ बेसिक सामान लेंगे। हरी मिर्च लिए हैं 4, 2 टुकड़ा अदरक का, लहसुन लिए हैं 10 कली। अब इसे हम अच्छे से कूट लेंगे। कूटने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे ग्राइंडर जार में भी हल्का सा दर्द रहा, आप लहसुन खाते हैं तो डालें, नहीं स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से आसानी लगे, बहुत टेस्टी बनता आप इस तरीके से तड़का दे के बनाएंगे। अब ये कूट गया, हम गैस के पास चलते हैं। गैस पे एक पैन रख दिए हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें तेल डाल देंगे, 2 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा तड़के के लिए। जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें जो हम कूट के रखे हैं अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें सारा डाल के इसे अच्छे से पकाएंगे। पकाते समय इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। इस तरीके से हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब ये थोड़ा सा पक गया, इसमें हींग डाल देंगे। हींग आपके डाइजेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब इसमें कुछ बेसिक मसाला डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। खाते हैं लाल मिर्च पाउडर, डालें नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम हरा मटर डाल देंगे, जो पूड़ी बनाने के लिए हरा मटर लिए थे। इस तरीके से इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे, ना आपको पीसना पड़ेगा ना आपको उबालना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब ढक के इसे रख देंगे। अब हम आटा लगाएंगे, इस तरीके से डो तैयार करेंगे। 2 कप गेहूं का आटा लिए, हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। अब इसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देंगे। नमक को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून डाल देंगे खस्ता के लिए तेल। आप कोई भी तेल, घी, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मौन पसंद हो, ज़्यादा खस्ता पसंद हो तो आप इसमें तेल का मात्रा और बढ़ा सकते हैं। अब इसे अच्छे से खस्ता कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा खस्ता कर लेते हैं तो बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी कचौड़ी बनती है। अब इसे हम गूंथ लेंगे आटा, बिल्कुल नॉर्मल पानी से गूंथेंगे आटा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लेंगे। आप पूड़ी बना रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कचौड़ी पूड़ी, आप कोई भी भरने वाला चीज़, आलू की कचौड़ी, दाल की पूड़ी कुछ बना रहे हैं तो इसका ध्यान रखें, आटा आप सॉफ्ट गूंथें, जिससे कि आपकी पूड़ी कचौड़ी फटेगी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। इस तरीके से आप सॉफ्ट ही आटा गूंथें। अब आप तुरंत बना सकते हैं, इस तरीके से रखना नहीं है। आप रखना चाहें तो थोड़ा सा रख भी सकते हैं। इधर बिल्कुल अच्छे से मटर पक चुका है। अब इसको अच्छे से एक बार चला लेंगे और हम चेक करेंगे मटर हो गया है कि नहीं। मटर को अब हम चेक कर लेंगे। मटर बिल्कुल अच्छे से पक गया, आप देख सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसे इस तरीके से कूट देंगे या मैशर से मिक्स कर देंगे। आपको जिस तरीके से आसानी लगे इस तरीके से आप मिक्स कर दें। आपको ना पीसना पड़ेगा ना उबालना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से ये होता है, बहुत टेस्टी खाने में लगता है। आप एक बार मेरे तरीके से कचौड़ी बनाएंगे, आप बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना लोई तैयार कर लेते हैं कचौड़ी के लिए। अब इसे साइड में रखेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, क्योंकि जो डो हम लगाएं थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो सूखे आटे की मदद से इस तरीके से बनाएंगे। आप ट्रेडिशनल तरीके से बना सकते हैं तो इस तरीके से बना ले, इसे मम्मी दादी बनाती हैं इस तरीके से। आप एक कटोरी का शेप दे दें इसे, ऐसे उंगलियों से फैलाते हुए। अब इसमें स्टफिंग लगाएंगे। इसमें आप जितना चाहे उतना भर सकते हैं, फटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं फटेगा, बहुत परफेक्ट बनेगा। अब इस तरीके से दबाते हुए इसका एक रोल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका ये है, आप इस तरीके से ऐसे बना लेंगे।
बिल्कुल परफेक्ट कचौड़ी बनके आपका तैयार होगा। फटने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आटा इसमें बच रहा तो निकाले, नहीं बच रहा तो इस तरीके से दबा के आप एक कचौड़ी का शेप दे दे, पहले बॉल का शेप दे, उसके अनुसार फिर आप इस तरीके से दबा देंगे, बिल्कुल परफेक्ट कचौड़ी बनेगी। आपको दूसरा तरीका बता रहे, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है बनाना तो आप इसी तरीके से थोड़ा सा आटा, सूखा आटा इसमें स्प्रिंकल कर दें। उसके बाद में आप कोई भी शेप में बेल सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी शेप दे दें, आप जिस तरीके से बेल सकते हैं इस तरीके से आप बेल लें। उसके बाद में एक कटोरी ले लें, उसके ऊपर इस तरीके से आप रख दें। अब इसमें स्टफिंग लगा दें, हरा मटर आप जितना भरना चाहें भर सकते हैं, फटेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, अब इस तरीके से रोल करते हुए इसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है ये। अगर आप पहली बार बनाएंगे तब भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। इस तरीके से हम इसको रोल करते हुए बनाएंगे, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से बना लें। अब इस तरीके से बनाएंगे उंगलियों की मदद से ऐसे दबाते हुए। थोड़ा सा आटा ज़्यादा लग रहा है तो हम हटा देंगे, नहीं ज़्यादा लग रहा है तो नहीं हटाएंगे। इस तरीके से अब दबा देंगे हाथों से ऐसे। अब थोड़ा सा सूखा आटा इसमें लगा के हल्के हल्के हाथों से बेल देंगे। आप पूरी भी इसका बनाना चाहते तो इसी तरीके से बना सकते हैं। अब पूरा बन के हम तैयार करेंगे। अब हम गैस के पास चलते हैं, तेल रख देते, गैस पे गर्म हो रहा था, गर्म हो गया है। अब इसे हम छानेंगे मीडियम फ्लेम पे, पहले रख देंगे एक बार इसे अच्छे से, जिससे हो जाए जितना आ जाएगा उतना हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छी टेस्टी आपकी ये कचौड़ी बनके तैयार होगी। इस तरीके से बनाएंगे, अगर आप पहली बार भी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। अब अलटते पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा तो एक बार फ्लेम हाई कर देंगे, जिससे बहुत क्रिस्पी हो जाए थोड़ा सा। इस तरीके से बनाएंगे हम, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी कचौड़ी बनके तैयार होती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कचौड़ी बनके तैयार हुई है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अपना कमेंट्स ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम सर्व करेंगे दही के साथ या चाय के साथ, आप अपने मनपसंद सब्जी, चाय, दही किसी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है ये। इस तरीके से आप बना के रख लें, आपको हम दिखा रहे कितना अच्छा ये फिल हुआ है, कितना अच्छा से ये भरा है, आप देख सकते हैं। आप पहली बार बनाएंगे तब भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।